सबसे मेन पॉइंट माइलेज, रेनो ट्राइबर कितना माइलेज देती है। दूसरी बात, ये गाड़ी 7 लोगों को बिठा करके कैसा परफॉर्मेंस देती है। बार बार ऐसा लगता है कि आपके घुटने से टकराएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से DSC के YouTube चैनल पर। जो भी लोग नए देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एक नए व्लॉग में, एक नए दिन में। आज तारीख है 25 दिसंबर और आज के दिन जो है मैंने आपसे वादा किया था कि आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की इंक्वायरी थी हमारी ट्राइबर से रिलेटेड। लोग पूछना चाह रहे थे कि क्या इसका माइलेज है, कितनी इसकी परफॉर्मेंस है, कैसी गाड़ी चलती है, 7 सीटर है तो 7 लोग बैठ पाते हैं या नहीं, और 7 लोगों को बैठाने के बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। उन सब सवालों का जवाब लेकर के आज मैं हाजिर हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जो लोग गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या फिर जिनके पास ट्राइबर है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये गाड़ी कैसी लगती है। और DSC व्लॉग्स को भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फटाफट देरी ना करते हुए सीधे चलते हैं गाड़ी की तरफ, क्योंकि 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। आपको कहा था कि 1000 किलोमीटर के बाद एक रिव्यू वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें बताऊँगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी के साथ। तो रिव्यू देने से पहले, क्योंकि पूरी वीडियो देखना, बताऊंगा माइलेज कितना दे रही है, कितना दे सकती है, ये भी बताऊंगा कि पहाड़ों पर भी मैंने इसे चलाया है और मैदान पर भी मैंने इसे चलाया है, हाईवे पर भी चलाया है, उबड़ खाबड़ पर भी चलाया है, ऑफ रोड पर भी चलाया है, हर जगह चलाया है, गाँव तक गई है भाई, रुद्रप्रयाग तक। सब चीज़ बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना था। जो चिल्ले हैं, सबसे पहले आज इन चिल्लों का अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि ये बड़े इरिटेटिंग लगते हैं और नई गाड़ी में चिल्ले 2-4 दिन ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद इनको उतार देना चाहिए। तो भाई ये चिल्ले निकलने के बाद जरा सीट को देखो, कितनी मस्त लग रही है। देखो कुशनिंग देखो इसकी, ठीक ठाक सी, बढ़िया सी। तो भाई साहब, गाड़ी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है रेनॉल्ट की ट्राइबर, और ट्राइबर का जो ये मॉडल है ये है RXT मॉडल है ये, यानी कि जो टॉप मॉडल है उससे एक मॉडल नीचे है, ठीक है। इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है वो सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है आई बटन पर वीडियो को दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें स्पेसिफिकेशन मैंने बताई है। ये जो वीडियो रहेगा ये बेसिकली वो है कि 1000 किलोमीटर गाड़ी के पूरे हो चुके हैं। मैं आपको दिखाऊँ कितना किलोमीटर पूरा हुआ, तो ये देखो 1338 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, यानी कि 1000 किलोमीटर इसके पूरे हो चुके हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूँ, ये 1000 किलोमीटर में ये गाड़ी जो है ये आपका लगभग आधे से ज़्यादा, यानी कि 700-750 या 800 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ हिल एरिया में चली है, उत्तराखंड के हिल एरिया में, ठीक। इस गाड़ी को लेने का एक मेन पर्पज ये था कि ये 7 सीटर है और इस बजट में इससे अच्छी 7 सीटर नहीं मिल रही थी। अब 7 सीटर की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या इसमें 7 लोग बैठ सकते हैं, तो 7 नहीं, इसमें मैंने 8-8 और 9-9 लोगों को भी बैठाया है। मेरा जो छोटा भाई है उसकी हाइट मेरे से ज़्यादा है, यानी कि 6 फिट से ज़्यादा है, और वो हमेशा जब भी बैठता है तो सबसे पिछली वाली सीट पर बैठता है। 2-3 शादियां हुई है और मेन भीड़ भड़क्का तो शादियों में ही होता है, आपको पता ही होगा। तो शादियों में इधर से उधर जाना, होटल से वेडिंग पॉइंट आना, यहाँ से वहाँ जाना, लोगों को छोड़ना, ये काम ये गाड़ी ने आते ही शुरू कर दिया था, यानी कि 1-2 शादियां उससे हमने निपटाई है। और शादियों के समय रात को एक जगह से दूसरी जगह पर 8-8 लोगों को भी या 9-9 लोगों को भी बच्चों समेत इसमें मैंने छोड़ा है, ठीक। दूसरी बात, ये गाड़ी 7 लोगों को बिठा करके कैसा परफॉर्मेंस देती है। अब इसकी अगर आप इसका कंपैरिजन अगर आप फॉर्च्यूनर, इनोवा या बड़ी गाड़ियों से करोगे तो वो बिल्कुल बेईमानी है, उनसे इनका कंपैरिजन आप मत कीजिए। उसका इंजन बहुत बड़ा होता है, इसका इंजन उतना बड़ा नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि आप इसमें 7-8 लोगों को बिठाते हैं और सामान भी रखते हैं और उसके बाद आप हाईवे पर फर्राटे से दौड़ सकते हैं या फिर स्टंट मार सकते हैं, तो ये ऐसी गाड़ी नहीं है। इसको आप आराम से चलाएंगे तो गाड़ी चल जाएगी, अदरवाइज़ आप सोचेंगे कि हाईवे पर आप 7 लोगों को बिठा के सामान रख के चल रहे हैं, ओवरटेक लेने की सोच रहे हैं, वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतना भी पावर इस गाड़ी में नहीं। तो अब बात करता हूँ मैं इसका, जो ये है एंड्रॉयड ऑटो सिस्टम है, इसको टच वच वगैरह सब कुछ ठीक है भाई, अभी तक तो नई गाड़ी ही है, टच वच इसका सही से हो जाता है, बाकी सब चीज़ें फंक्शन इसमें सही हैं ही। मैप चलाने की, एंड्रॉयड ऑटो तो मैंने कनेक्ट किया है, मैप चलाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी जगह ये है नहीं कि मैं मैप चला करके दूसरी जगह जाऊँ, तो मैप मैंने सीरियसली आज तक इसमें चलाया नहीं है। जो इसका ये सिस्टम है ये भी सही काम करता है, हर चीज़ को दिखा देता है, और उसके बाद इसका साउंड सिस्टम, चारों तरफ का साउंड सिस्टम सही है, और इसमें अच्छा फंक्शन ये दिया गया है कि आपके पास कंट्रोल हैं कि आप जो साउंड बजता है ना, स्पीकर बजते हैं, तो उन स्पीकरों की आवाज़ आप एक तरफ रखो, इधर की तरफ रखो, सिर्फ आगे सुनाओ, सिर्फ पीछे सुनाओ, या बीच में हर जगह सुनाओ, वो फंक्शन भी इसके अंदर है, जो कि अच्छी बात है। स्पेस को लेकर मैं आपको बताऊँ अगर, तो स्पेस इस गाड़ी में काफ़ी लोगों की ये दिक्कत है कि इसमें स्पेस होता है या नहीं होता है, आगे की सीट, बीच की सीट और पीछे की सीट, तीनों ही जगहों पर मेरी मानो तो आपको
ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है आगे, और यहाँ तो बढ़िया स्पेस मिलता है, पीछे भी आपको डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है जिसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट करके दो लोग जो कि ठीक ठाक हाइट के हों, ठीक ठाक पर्सनैलिटी वाले हों, वो आराम से पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और इस गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हैं हर कोई यही कहता है। उनको सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ कि भाई कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, तो हर कोई कंफर्टेबल ही बताता है। इन सीटों को सबसे पीछे मैंने किया है, आगे करूँ तो मामला चकाचक है। तीसरी बात, बस इसकी एक जो मैं नेगेटिव पॉइंट आपको बताऊँ, क्योंकि अगर हम इसमें 7 लोगों को बिठाते हैं तो पीछे आपके पास बूट स्पेस नहीं बचता, यानी कि आप सामान को नहीं रख सकते हैं। एक आधे छोटे बैग आ सकते हैं लेकिन फिर भी, यानी कि अगर 7 लोग बिठाए तो सामान की जगह मर जाएगी। एक और इसमें जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी उसी समय मुझे जो सबसे गंदी चीज लगी थी इस गाड़ी की वो ये, इसमें मैं अगर इधर बैठूं, ठीक, मैंने अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर दिया। अब इसका चाबी का जो होल है ना, ये बार बार ऐसा लगता है कि आपके घुटने से टकराएगा, हालांकि ये टकराता नहीं है। रेनॉल्ट के इंजीनियरों ने सोच समझ के इसको भी बनाया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इरिटेट जरूर करेगा आपको। चाबी जब ऐसे आती है ना तो आपको लगता है, अजीब सा आपको लगता है, आप पहले अगर दूसरी गाड़ी चलाते होंगे, जैसे पहले सेंट्रो चलाता था उसमें बहुत स्पेस था, यहाँ पर चाबी का होल इधर रहता था, इसमें थोड़ा सा ये चीज़ जो है ये एक नेगेटिव पॉइंट इसका कह सकते हैं आप। अब भाई मेन पॉइंट पर आते हैं, मेन पॉइंट ये कि पहाड़ों में गाड़ी कैसी चलती है। इस गाड़ी को मैं पहाड़ों पर ले गया, इनफैक्ट लेने के बाद ही हम इसको लेकर के पहाड़ों पर गए थे। 5 लोगों को मैं पहाड़ों पर लेके गया था, पीछे सामान भरा हुआ था, और उत्तराखंड के पहाड़ तो आप लोगों को पता ही है, इसमें ऑफ रोडिंग भी थी यानी कि कच्ची सड़क का भी पैच था। मेरी मानो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक चढ़ाई हो, बहुत ही उबड़ खाबड़ सी रोड हो, वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसको भी आप अपनी ड्राइविंग स्किल से मैनेज कर सकते हो। ठीक, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इसका कंपैरिजन थार, इनोवा, फॉर्च्यूनर, इन गाड़ियों से मत कीजिए, वो बहुत ऊपर की गाड़ियां हैं, ये बहुत नीचे की गाड़ी है। जितना बजट में दिया गया है उतना ही किफ़ायती है, इसीलिए इसको कहा जाता है वैल्यू फॉर मनी गाड़ी। ठीक, पहाड़ों का भी हो गया, पहाड़ों पर भी सही परफॉर्मेंस मुझे रहा, हाईवे पर भी सही परफॉर्मेंस मुझे रहा। हाईवे पर कभी कभी आपको ज़रूर लगेगा, और सीरियसली मैं बता रहा हूँ, सच्चाई वाला रिव्यू वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, सीरियसली आपको कभी कभी ऐसा लगेगा हाईवे पर जब आप थोड़ा सा ओवरटेक लेने की सोच रहे हो, पीछे आपकी गाड़ी फुल हो, लेकिन आपको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा क्योंकि उतना पावर शायद आपको 70-80 की स्पीड पर ना मिले, तो ये भी एक पॉइंट रह सकता है, लेकिन उतनी ज़रूरत भी नहीं होती है भाई, आराम से चलोगे तो गाड़ी साथ देगी, सही चलेगी। सबसे मेन पॉइंट माइलेज, रेनो ट्राइबर कितना माइलेज देती। कंपनी क्लेम करती है 18-19-20 के करीब, मेरे ख्याल से कंपनी इसमें माइलेज क्लेम करती है, 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर ये चल जाएगी। तो मैंने इसके जो माइलेज है उसको मैंने चेक किया पहले दिन से ही, क्योंकि यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, बताऊँगा कितनी रीडिंग है उस पर, तो मीटर लगा हुआ, तो मीटर पहले दिन से ही बता देता है। तो पहले के 5-6 दिन तो मुझे लगा कि यार भाई ये क्या हो गया, क्योंकि पहले के 5-6 दिन इसका माइलेज था 9, 9.5, 10, 10.5। ठीक, उसके बाद जब इस पर हमने लॉन्ग ट्रिप मारी, हाईवे की ही, सिटी के अंदर ही, प्लेन की ही लॉन्ग ट्रिप मारी, तो इसका माइलेज जो है वो ऊपर बढ़ा और माइलेज पहुंचा इसका आपका 12, 12.5, 13 तक इसका माइलेज पहुंच गया। ठीक, उसके बाद जब हम गांव गए तो पहाड़ की जो सड़क थी वहां पर भी इसने पूरा आते जाते, अगर एवरेज हम निकालें उसका, तो 13.5 से 14.5 के बीच में माइलेज दिया है, जो कि लगभग ठीक ठाक है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई जैसे जैसे सर्विस होती है, गाड़ी चलती जाती है, तो माइलेज भी उसका खुलता जाता है। अभी ये कितना माइलेज दे रही है, अभी मैं आपको, अभी मीटर में आपको बताऊंगा, इधर आओ पहले मीटर देखो, अभी मीटर पे आप अगर देखोगे तो मीटर पे इसका जो एवरेज आ रहा है 11.7 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, ये क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ, अभी मतलब 11.7 का ये एवरेज दे रही है, माइलेज दे रही है, वो इसलिए दे रही है क्योंकि पिछले 7-8 दिन से ये गाड़ी जो है कंटिन्यू फुल ट्रैफिक में चल रही है देहरादून के, जहाँ पर कि आप 10-15 से ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो 11.7 इसलिए भी है क्योंकि अभी अभी जब ये गाड़ी रुकी है, इससे पहले मेरा भाई इससे गाड़ी सीख रहा था और लगभग पिछले 1 घंटे से ये पहले ही गियर में बिना रेस दिए चल रही है, तो ये एवरेज जो है माइलेज इसका पर किलोमीटर, ये इसलिए इस समय थोड़ा सा कम दिखा रहा है। अदरवाइज मैं सीरियसली आपको बताऊं तो इसका जो एवरेज है वो 16 से 17 के बीच में भी मैं लेके गया हूँ, मैक्सिमम जो मुझे मिला है 16 से 17 के बीच में मिला है, और ऑन एवरेज अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑन एवरेज इसका जो माइलेज है वो हाईवेज पर 13.5 से 14.5 के बीच में या 15 तक भी आपको आराम से मिल सकता है। सिटी में अगर आप चलते हैं, ट्रैफिक में अगर आप चलते हैं, तो 12 से 13 के बीच में आपको एवरेज मिल जाएगा। ऑनेस्टली इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं मिला और इससे कम मुझे भी नहीं मिला। हो सकता है कि सर्विस सुर्विस होने के बाद, 1-2 बार तेल पानी चेंज करने के बाद, क्या पता थोड़ा सा माइलेज और खुल जाए, और क्योंकि मैक्सिमम ये गाड़ी जो है सिटी में चलती है, फुल ट्रैफिक के अंदर चलती है, इसलिए भी हो सकता है कि थोड़ा उस हिसाब से मैं इसका माइलेज अभी टेस्ट नहीं कर पाया हूं। लेकिन जो मैंने बड़ी ट्रिप मारी उस पे इस गाड़ी ने 13.5 से 14.5 और 15, 15.5 और 16 तक का भी माइलेज मुझे दिया है। अब आ जाओ जी अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है ग्राउंड क्लियरेंस।
ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कितनी है। आ जाओ नीचे से दिखाओ, आगे से। ये है जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। बाहर से दिखती अच्छी खासी है, लेकिन अगर असल में अगर आप सड़कों पर जाओ, ऑफ रोडिंग वाली सड़कों पर जाओ, असल में अगर आप ऑफ रोडिंग वाली सड़कों पर जाओ तो ग्राउंड क्लियरेंस कैसा रहेगा। हम जब गांव जाते हैं तो हमारे घर पे जाने के लिए एक कच्ची सी रोड बनी है, आधा एक किलोमीटर की सड़क, वो बहुत ही खतरनाक सड़क है, पूरी कच्ची सड़क है, वो अभी बनी रही है, उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। तो जब सेंट्रो जाती थी वो कभी कभार नीचे टच हो जाती थी, लेकिन ये गाड़ी वहाँ पर टच नहीं हुई, तो मैं कह सकता हूँ कि ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका बाकी गाड़ियों के मुताबिक ठीक ठाक ही है। 184 मेरे ख्याल से कंपनी कहती है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है, उस मामले में भी गाड़ी सही है। पहाड़ों पर ऑफ रोड में भी अगर आप सही से चलो, आराम से चलो, तो गाड़ी चल जाती है। अगर आप तेज़ चलोगे तो चाहे आप बड़ी से बड़ी गाड़ी भी ले आओ, लगेगी ही लगेगी। तो ये था जी हमारी जो ट्राइबर है, ट्राइबर RXT यानी कि जो सेकंड टॉप मॉडल है, उसका 1000 किलोमीटर में जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपको बताया। दो तीन चीज़ें नेगेटिव बताया, एक और इधर आओ नेगेटिव चीज़ बता। जो ये शीशा है ना इसका, ये पीछे देखने वाला, ये मुझे थोड़ा छोटा सा लगता है। अब तो खैर आदत पड़ गई, लेकिन थोड़ा सा इसका अगर आप लेंगे तो आफ्टर मार्केट आप इस पर थोड़ा सा बड़ा वाला शीशा लगा दीजिए, आपको थोड़ा और ईजी पड़ेगा। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। स्पेस के मामले में तो भाई 100 के 100 नंबर है स्पेस के मामले में। जितना स्पेस दिया ना, इधर भी दिया है, इधर भी दिया है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कूल वाला फीचर भी दिया है। एक और नेगेटिव पॉइंट जो थी मैंने आपको बताई वो ये भी है, एक ये यहाँ पर है। और इसके अलावा तो जब गाड़ी चलेगी तो उसके बाद पता चलेगा कि नेगेटिव क्या है और प्लस पॉइंट क्या है, लेकिन फिलहाल यही है मामला। और बस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, और अगर आप ड्राइवर वाले हैं तो भी कमेंट कीजिए, ड्राइवर लेने वाले हैं तो भी कमेंट कीजिए, और बाकी ब्लॉग्स के लिए भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए DSC यूट्यूब चैनल को। और बस क्या, कमेंट भी कीजिए। फिर मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ, कहीं चलेंगे घूमने फिरने जब गाड़ी ली है तो, उसके बाद देखते हैं कहीं अभी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, थैंक यू।